नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम गैंग्लियन सिस्ट, एक प्रकार का गांठ होता है, उसके बारे में जानेंगे कि यह रोग कैसे होता है और इसे ठीक करने की होम्योपैथिक दवा की चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह समझ पाएं। तो आइए समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। गैंग्लियन सिस्ट एक प्रकार का गांठ है जो हमारे शरीर के जोड़ों में होता है। यह सबसे अधिक हमारे कलाइयों के पास होता देखा गया है। इस सिस्ट में पानी न्यूमा पदार्थ भरा होता है। गैंग्लियन सिस्ट के कारण की तरफ देखें तो गैंग्लियन सिस्ट के मुख्य कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। फिर भी कुछ सिद्धांत है जिसके मुताबिक हमारे जोड़ों में टेंडन्स, मसल्स और हड्डियां होती हैं। टेंडन्स के ऊपर टेंडल शीट होता है। कई बार यह शीट थोड़ा कमजोर हो जाता है जिसके कारण उसमें पानी भरने लगता है, और जब वह पानी भर जाता है तो हमें बाहर से सिस्ट दिखने लगता है जिसे हम गैंग्लियन सिस्ट कहते हैं। यह सिस्ट 20 साल से लेकर 40 साल के लोगों को अधिक हो जाता है। गैंग्लियन सिस्ट के लक्षण की तरफ देखें तो गैंग्लियन सिस्ट कलाइयों पर सबसे अधिक दिखता है। यह बहुत कम दबता है, ज्यादातर यह सख्त ही रहता है। यह सिस्ट अंगुलियों और पैरों में अधिक होता देखा गया है। इसमें दर्द नहीं होता और ना ही सुन्नेपन होता है। अब मैं डायरेक्ट गैंग्लियन सिस्ट की होम्योपैथिक दवा की चर्चा करूंगा कि किन होम्योपैथिक दवा से यह सिस्ट पूरी तरह से जड़ से ठीक हो जाता है। तो सबसे पहली दवा है थोजा 1 एम पोटेंसी में। यह दवाई गैंग्लियन सिस्ट के लिए बहुत ही कारगर है। शरीर में कहीं भी अतिरिक्त मांस या त्वचा निकल आती है तो यह दवाई उसे ठीक करने के लिए बहुत लाभ पहुंचाता है। इसकी 2 बूंद हफ्ते में सिर्फ 1 बार सुबह सुबह लेना है आपको। जैसे कि अगर संडे को आप 2 बूंद सुबह में लेते हैं तो नेक्स्ट संडे को ही इसकी 2 बूंद सुबह में लें। चूंकि मैंने थोजा 1 एम अर्थात 1000 पावर का बताया है, इसलिए मैं इसे हफ्ते में सिर्फ 1 बार लेने की सलाह देता हूं। तो आप भी हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही 2 बूंद जीभ पर टपकाया करें। अगली दवा है कैल्केरिया फ्लोर 6X। यह दवाई शरीर में कहीं भी गठान हो जाए उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। शरीर में अतिरिक्त त्वचा के निकल जाने पर यह दवाई बहुत ही लाभ पहुंचाती है। यह दवाई गठान को बहुत जल्दी ठीक करती है। इसकी 6-6 गोली दिन में 3 बार आपको लेना है। यह दवाई आपको 2 से 3 महीने तक आपको अवश्य लेना है। तो आप कैल्केरिया फ्लोर 6X की 6 गोली मुंह में लेकर चूसें दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम में। अगली दवा ऑर्टिका यूरेंस मदर टिंचर अर्थात क्यू पोटेंसी। यह दवाई पानी जैसे पदार्थ को सुखाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। शरीर में जहां भी गठान हो गई है जिसमें पानी जैसा पदार्थ भरा होता है उसे सुखाने के लिए यह दवाई बहुत ही लाभदायक होता है। अगर शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक है जिसके कारण गैंग्लियन सिस्ट हो गया है तो यह दवाई जरूर लेनी चाहिए। इसकी 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम में आपको पीना है। चूंकि यह दवाई मदर टिंचर में है इसलिए आप इस दवा की 20 बूंद आधे कप पानी में डालें और दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम में आप पिए। यह तीनों दवाइयाँ अगर आप 1 से 2 महीने तक लगातार लेते हैं तो आपका गैंग्लियन सिस्ट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सभी दवाइयों के बीच 15 मिनट का अंतर जरूर रखें। अब चूंकि संडे को आपको थोजा 1 एम लेना है तो आपको इसमें तो 15 मिनट का गैप देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कैल्केरिया फ्लोर और अर्टिका यूरेंस डेली 3-3 बार लेना है तो आप अगर अर्टिका यूरेंस लेते हैं तो उसके 15 मिनट बाद कैल्केरिया फ्लोर ले लिया करें। दो दवाई के बीच 15 मिनट का गैप देते हैं। कुछ लक्षण के आधार पर भी दवा बता रहा हूँ। लक्षण मिले तो आप इस दवा को बाकी दवाई के साथ ऐड करें, लक्षण ना मिले तो इन दवाओं को लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पहली दवा रूटा 30, जहाँ पर सिस्ट है अगर वहाँ दर्द है और स्टिफनेस रहे तो आप इसकी 2 बूंद दिन में 2 बार कुछ दिनों तक अर्थात 10 से 15 दिनों तक लें। दूसरी दवा बेंजोइक एसिड 30 पोटेंसी। अगर सिस्ट के साथ पेशाब में घोड़े के पेशाब जैसी गंध रहे, पेशाब डार्क रंग का हो, बहुत बदबूदार हो, तब आप इसकी 2 बूंद दिन में 2 बार कुछ दिनों तक लेना है। कुछ दिनों तक अर्थ है 10 से 15 दिनों तक आप लें, उसके बाद दवा को बंद कर सकते हैं। साइलेसिया 30, अगर सिस्ट के साथ बहुत बदबूदार पसीना आता हो और हाथ में अत्यंत कमजोरी हो जिसके से आपको कुछ भी सामान उठाने में मुश्किलात हो तो आप इस दवा की 2 बूंद दिन में 2 बार कुछ दिनों तक लें।
अंतिम दवा कैल्केरिया कार्प टर्टिपोटेंसी। अगर आप गोरे और थुलथुए हैं तो आप इस दवा का प्रयोग अवश्य करें। इसकी 2 बूंद दिन में 2 बार सुबह और शाम कुछ दिनों तक लें। अगर लक्षण मिले तो आप इन 4 दवाओं को ऐड कर सकते हैं। अगर लक्षण ना मिले तो आप ऊपर जो मैंने 3 दवाई बताया है अर्थात थूजा वनिम, कैल्केरिया फ्लोर 6X और ऑर्टिका यूरेंस मदर टिंचर, इन्हीं 3 दवा का उपयोग करें। आपका गैंग्लियन सिस्ट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगर आप दवा का लगातार सेवन करते हैं 2 से 3 महीने में आपका गैंग्लियन सिस्ट पूरी तरह से जड़ से ठीक हो जाएगा। हाँ, इन दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है तो आप निसंकोच दवा का सेवन कर सकते हैं, आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा ही। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पे दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। 2 दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रेक्वेग, SBL, एडिल किसी भी कंपनी की दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी है। धन्यवाद।